हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो देखो, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान में जो हम लोग चिकन स्प्रिंग रोल बनाते हैं वो। तो ये देखो, ये मिक्स वेजिटेबल जो है, ये मिक्स वेजिटेबल में मैंने चिकन का खीमा वगैरह मसाले के साथ पूरा फ्राई करके ली थी। ये कुछ ऐसा हो गया है। इसको मैंने मेरे फूड प्रोसेसर में बारीक सा चॉप कर लिया था, सारे मिक्स वेजिटेबल। इसमें गोभी है, गाजर है, गोभी गाजर एंड शिमला मिर्च। देन इसमें चिकन मैंने डाली थी, वो भी मिक्सर में ग्राइंड करके ही डाली थी। और इसके बाद इसमें काली मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर एंड लाल मिर्ची पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दिए सारे मसाले। एंड देन थोड़ा सोया सॉस। ये पूरा ये मसाला इस तरीके से तैयार हो गया है। देन मैंने यहाँ पे ली हूँ चीज़ क्यूब्स, ली हूँ चीज़ है यहाँ पे। देन ये है स्वीट्स का स्प्रिंग रोल, ये 20 शीट में आया है। देन इसको स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैंने मैदे का बैटर तैयार करके रखी, ठीक है। और देखो, ये मैंने एक चीज़ निकाल के रखी, इसको मैं थोड़ा थोड़े टुकड़े उसके बीच बीच में रख दूँगी, ठीक है। देखो, ये सब सामान लगने वाला है। देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक शीट ले लेना है। देन उसके ऊपर आपको जो आपने मिक्सचर तैयार करके रखा है वो डाल देना है। देखो, आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरीके से डाली हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चीज़ भी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ा सा डाली। देन इसको आप फोल्ड करने का तरीका प्लीज़ ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहले थोड़ा सा पट्टी हो करके दोनों साइड से कॉर्नर बंद कर देना है। देन उसको आराम से फोल्ड करके जो हमने मैदे का बैटर तैयार करे थे वो घोल उसे किनारे पे लगाकर इसको फोल्ड कर देना है ताकि वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। देखो, आप देख सकते हो मेरी एक जो मेरा रोल है वो एक रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आपको आपको सारे रेडी करके रख देना है, एक एक करके। इसी तरीके से देखो, अभी मेरे पूरे सब कुछ रेडी कर दी हूँ मैंने ऑलरेडी। देखो, अभी आपको इसको डीप फ्रिज में आप इसको 15 दिन या 1 महीने के हिसाब से रख सकते हो। और तुरंत इसको डीप फ्रिज, जब भी आपको इसको बनाना होगा तो डीप फ्रिज से निकाल के आप डायरेक्ट इसको और तेल में फ्राई करके तल सकते हो, ठीक है। तेल ज्यादा गर्म होना चाहिए, गर्म गर्म तेल में आप इसको फ्राई करना है तो ये आपका हो जाएगा अच्छे से क्रिस्पी, टेस्टी, क्रिस्पी रहेगा, अंदर से चीजी भी रहेगा। क्योंकि हम थोड़ा डाले ये चीज, आपके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा चीज कर सकते हो। जिसको ज़्यादा चीज़ ही पसंद है वो ज़्यादा चीज़ अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। बाय।